हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा कुकिंग क्लासेस। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना केक। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ब्लेंडर और माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पर मैंने दो अंडा लिया है। अंडे का सफेद पोर्शन जो है वो हम अलग कर लेंगे और येलो पोर्शन जो है उसे हम अलग रख देंगे। इसका इस्तेमाल जो है वो बाद में होगा। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी लिया है। चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। अब धीरे धीरे करके इसको हम मिक्स करेंगे अंडे के सफेद पोर्शन में। धीरे धीरे चीनी को ऐड करना है और बीट करना है। इस तरीके से बीट करते करते ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने दो केला लिया है, पीसेस कर लिया है कट करके छोटा छोटा। अब फोर्क की मदद से मैश कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, अच्छे से मैश कर लिया है। दोनों को मिक्स करेंगे, साथ ही में ऐड करेंगे अंडे का जो पीला पोर्शन है वो। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, मैदे को भी ऐड करेंगे। एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटा कप यहाँ पर मैंने मक्खन लिया है। आप चाहे तो वेजिटेबल्स ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम आधा छोटा कप दूध लेंगे। दूध को मैंने पहले बॉयल किया है और उसके बाद ठंडा कर लिया है। मिक्सर में इसका एक बैटर रेडी करेंगे। देखिए, मिक्सर में बैटर रेडी कर लिया है। बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसा रहेगा। कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहे तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके का कंटेनर लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है। बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा बटर हम अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो कोई भी सफ़ेद कलर का पेपर ले सकते हैं। अब बैटर को हम कंटेनर में डाल देंगे, आधा डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स जो है वो डालेंगे और फिर से आधा बैटर हम डाल देंगे और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब चलिए इसे हम बेक करते हैं। कुकर को पहले 5 से 10 मिनट के लिए हम गरम कर लेंगे। अब जो स्टील का स्टैंड आता है उसको हम प्रेशर कुकर के अंदर रख देंगे और स्टैंड के ऊपर जो कंटेनर है जिसमें हमने बैटर रखा हुआ है वो रख देंगे और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे। याद रखें, ढक्कन का जो सीटी और रबर है उसे हम निकाल लेंगे और इसे करीब 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने देंगे। 30 से 40 मिनट बाद चेक करने के लिए एक छुरी ले ले और केक के अंदर डाले। अगर साफ निकले तो इसका मतलब केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। साइड से हम इस तरह से कट कर लेंगे निकालने के लिए और पेपर इस तरह से उठा देंगे। देखिए, बनाना केक जो है वो रेडी है। इसे आप घर में एक बार जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।